प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद दे देते हैं। जब मैं आपके वचन को साझा करता हूँ और सिखाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इन शब्दों को लेंगे और इन्हें वास्तविक बना देंगे, ताकि आप अपने लोगों के दिलों और जीवन में समझ ला सकें कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन पर चलने वाले बन सकें, कि हम आपके लिए यीशु के नाम पर फल पैदा करें। ये छोटी सी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपको अपने जीवन स्तर को तय करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम मानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राज्य पर अपना ध्यान लगा सकें। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी चल रही है और जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही ज़िंदगी को चलने दे रहे हैं। कोई दृष्टि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उत्साह नहीं, परमेश्वर के लिए कोई जुनून नहीं, जीवन के लिए कोई जुनून नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, और वो बस जीवन के साथ ही चलते जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अलग हो इस साल या इस महीने, तो आपको वो ख़राब जीवन स्तर या स्टैंडर्ड बदलना होगा। आपको कुछ चीज़ों को बदलना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये महीने या ये साल आपको वही सफलता देगा जो आपको सफलता नहीं देगा जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि दिन बदल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल रही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि इस साल हमारा थोड़ा अलग हो, और परमेश्वर को आपको बदलने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं बदलते हैं तो हमें किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है या परमेश्वर को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। तो ज़्यादातर लोगों का यही समस्या है, हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और किसी अलग परिणाम का उम्मीद करते हैं। तो किसी ने कहा ये पागलपन का परिभाषा है, एक काम को बार बार करें और एक अलग परिणाम का उम्मीद करें, लेकिन चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। तो अगर आप उसी पुरानी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और अगर आप उस लेवल पर रहकर थक चुके हैं और बेहतर करना चाहते हैं, हो सकता है कि शायद आप अपने रिश्ते में सुधार चाहते हैं, हो सकता है कि शायद आपने वित्त के मामले में थोड़ा बदलाव चाहते हैं, या आपकी कोई व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा बदलाव चाहते हैं, शायद आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है अपनी पढ़ाई में थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं। तो आपको इस साल बदलना होगा, और अगर आप इस साल एक अलग ज़िंदगी चाहते हैं तो बदलाव जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको इस साल अपना जीवन स्तर, मतलब अपना स्टैंडर्ड्स को तय करना होगा, और यही मेरा आज का संदेश है। आपके पास तो
आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं, सभी अपने जीवन में कुछ सुधार चाहते हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं। और अगर आपको बेहतर करना है तो अपना जीवन स्तर को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं यशाया 33:16। अगर किसी ने खोल लिया तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा अलग बता रहा है। यशाया 33:16 आइज़ाया 30 यस ओके शुक्रिया। लेकिन मेरा ट्रांसलेशन के हिसाब से ये कह रहा है, इस तरह आप अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं, जीने का एक सुरक्षित और स्थिर तरीका, जीने का एक पौष्टिक संतोषजनक तरीका। परमेश्वर यहाँ सभी निर्णय लेते हैं। तो बाइबल कहती है कि यहाँ एक सुरक्षित और स्थिर तरीका है जीने का, जो पौष्टिक और संतोषजनक तरीका है, और वो ईश्वर का जीने का तरीका है। और अगर आप ऐसा ही जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के स्तर के अनुसार जीना होगा, और ईश्वर यहाँ सभी निर्णय लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर रहे ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आप बिल्कुल असंतुष्ट हैं, तो आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका जीवन स्तर जो है थोड़ा नीचे है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको होना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीष दी है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं और आपके जीवन में थोड़ा बढ़ावा भी देना चाहते हैं, और आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, और वो हर तरह से आपको मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको उनके आशीर्वाद के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। जैसे आपको अगर कोई प्रमोशन चाहिए, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आपके पास परमेश्वर की आशीर्वाद तो है, लेकिन उस आशीर्वाद के लिए आपके पास कोई पर्याप्त जगह नहीं बनाई आपने। परमेश्वर जो है आपको बढ़ावा देना चाहते हैं, और आप प्रमोशन के लिए अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस आशीर्वाद के लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो यही समस्या है। और फिर आप वो जगह कैसे बनाएंगे? आप परमेश्वर के लिए जगह कैसे बनाते हैं? इसको करने का एक तरीका है, और वो है अपने जीवन स्तर को बढ़ाएं। तो इस साल आप अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस साल आप अपने जीवन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपका जीवन स्तर क्या है? कितना ऊंचा या कितना नीचा? हमें जीवन स्तर की आवश्यकता है भी या नहीं? यदि आप वो नहीं करते जो बाइबल आपको करने के लिए कहती है, तो आपका जीवन वैसे ही रहेगा, और फिर आप दूसरों को दोष देना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें उनके वचन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जो हैं ऐसे चमत्कार की उम्मीद करते हैं, वो तुरंत चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बदलाव आए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाएंगे, और मेरा मानना है कि चमत्कार भी होते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में शक्तिशाली चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जीवन स्तर नीचे है,
तो फिर आप उसी लेवल पर जाके रह जाएंगे। तो हम उच्च जीवन स्तर बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है महान है, और हम चाहते हैं कि लोग अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊपर उठाएं। जब मैं कहता हूँ जीवन स्तर को ऊपर उठाएं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत सारे पैसा होना या कोई अच्छी फैंसी कार होना। आपके पास बहुत अच्छी कार हो सकती है, बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन स्तर फिर भी काफ़ी नीचे हो सकता है। मेरा मतलब है कि एक ईश्वरीय जीवन स्तर होना चाहिए, और वो होना जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने, और वही करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। और अगर हम चर्च जाते हैं और हर बार स्कूल में असफल होते हैं, तो हमारी दुनिया के लिए क्या गवाही होगी? हम दुनिया के लिए क्या गवाही दे रहे हैं? हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हम एक न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम लाभ चाहते हैं। हम काम पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी आय चाहते हैं। हम न्यूनतम जीवन स्तर के साथ सर्वश्रेष्ठ नतीजा चाहते हैं। परमेश्वर के दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए एक और बात पढ़ते हैं, यशाया 33:16। इस तरह आप अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं, जीने का एक सुरक्षित और स्थिर तरीका, जीने का एक पौष्टिक संतोषजनक तरीका। परमेश्वर यहाँ सभी निर्णय लेते हैं। तो यशाया 33:16 पर लिखा है कि परमेश्वर यहाँ सभी निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्द में अगर कहूँ तो आप उस जीवन को जीना चाहते हैं जो संतोषजनक हो, और यही परमेश्वर आपके लिए निर्णय लेते हैं। और दूसरे शब्द में अगर कहूँ तो आपको आपका जीवन स्तर को तय करना पड़ेगा। और ईश्वर आपकी क्षमता को जानते हैं, वो जानते हैं आप क्या करने में सक्षम हैं। इसलिए आपको परमेश्वर को अपने लिए जीवन स्तर तय करना देना चाहिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 139:14, भजन संहिता 139:14, साम्स 139:14। तो इसमें इस तरह लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो यहाँ यह क्या कहा गया है कि हम सारे लोग जो हैं बहुत ही अद्भुत रूप से बनाए गए हैं, अद्भुत रूप से रचे गए हैं। हम में से बहुत से लोग जो है ये जानते नहीं हैं, क्योंकि हम खुद से बहुत ही कम उम्मीद रखते हैं। हम अपने जीवन स्तर को इतना कम कर देते हैं कि हम अपने जीवन से बहुत कम उम्मीद करते हैं। आप कहते हैं मेरे पास ऊंच जीवन स्तर है, लेकिन आप रहते कैसे हैं? आपको खुद को उस तरह से देखने की ज़रूरत है जिस तरीके से परमेश्वर आपको देखते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, और हमें खुद से भी ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि इस साल हम अलग हों, तो इस साल अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तो हम में से बहुत से लोग अपनी क्षमता को बहुत ही नीचे समझते हैं कि हमारा क्षमता जो है बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा जीवन स्तर नीचे है। अपनी क्षमता जो है, जब मैंने पहला सर्मन दिया था, अब जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये बताया था कि
हर इंसान में भगवान ने भर भर के क्षमताएँ दी हैं और उन क्षमताओं को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ये करने से हम खुद से और अधिक उम्मीद करते हैं। हमें अपने लेवल को थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत सुपर टैलेंटेड हैं या तो आप बहुत ही सुपर गिफ्टेड हैं, लेकिन अगर आपके जीवन स्तर कम है या नीचे है तो आपकी क्षमताएं जो है वो जारी नहीं होंगी और वो निराशा की ओर ले जाएंगी आपको। हमारी कुछ समस्याएं और सोच की समस्याएं हैं। हम बहुत ही छोटा सोचते हैं, इसलिए हमें अपना दिमाग को नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत है। हम में मसीह का मन होना चाहिए और परमेश्वर छोटा नहीं सोचते। आइए पढ़ते हैं इफिसियंस 3:20। आप पढ़ सकते हैं अगर खोलना हो गया। तो जी हाँ, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है छोटा बिल्कुल नहीं सोचते। और बाइबल कहती है कि अपना मुंह खोलो और मैं इसे भर दूंगा। वचन संहिता 81:10, Psalms 81:10 यहाँ लिखा हुआ। तो परमेश्वर उतना ही भरेंगे जितना आपके पास उनके लिए जगह है। हम में से बहुत से लोग अपनी सोच से सीमित है। हम बहुत छोटा सोचते हैं, इसलिए हमारा जीवन स्तर भी थोड़ा नीचे है। इसलिए विश्वास करें कि परमेश्वर जो कह रहे हैं और अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊपर उठाएं। यहाँ एक छोटा सा ऐतिहासिक सच्चाई है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। 1954 से पहले किसी ने विश्वास नहीं किया था कि 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ना संभव है। किसी ने विश्वास नहीं किया था कि यह संभव है। तो 60-70 साल पहले 1886 से जो एथलीट्स हैं, जो भागने वाले एथलीट्स हैं और कोच, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे 60-70 साल से। और बहुत सारे लोग तो ये करने में असफल रहे। और 1954 में एक 25 साल का एक युवक था जो मेडिकल छात्र था। वो एक पेशावर एथलीट नहीं था बल्कि एक मेडिकल छात्र था। उसे सिर्फ दौड़ना पसंद था, तो उन्होंने फैसला किया मैं ट्रेनिंग लूँगा और ट्रेनिंग करके मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करूँगा। और उसने किसी लोकप्रिय कोचों के साथ ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों का सोच ये था कि ये जो है असंभव है, कोई भी 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ नहीं सकता। तो उन्होंने अकेले ही ट्रेनिंग ली। उन्होंने खुद से दूसरे लोगों से अलग होकर ट्रेनिंग ली। और कभी कभी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो छोटा सोचते हैं तो आपका सोच भी उसी तरीके से प्रभावित हो जाता है और आप भी छोटे सोचने लगते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो चीलों के साथ घूमें। तो उसने अकेला ट्रेनिंग लेने का फैसला किया और उन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 3:59.4 में दौड़ पूरी की और उसका नाम था रॉजर बैनिस्टर।
तो वो 4 मिनट का बाधा को तोड़ने वाला पहला एथलीट था। और अजीब बात यह है कि उसके रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सिर्फ 46 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया का एक एथलीट था, उसका नाम था जॉन लैंडी, जिसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 3 मिनट 57.9 सेकंड में। और एक साल बाद 4 एथलीटों ने एक ही रेस में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और उस समय से लेकर आज तक हज़ारों और हज़ारों लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1954 तक उस रिकॉर्ड को क्यों नहीं तोड़ा गया? कुछ खेल एनालिस्ट और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया इसमें, और उन्होंने बताया कि ये ताकत का खेल नहीं है, दिमाग का खेल है, ये कोई फिजिकल बाधा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बाधा है, मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा थी। उन्हें बताया गया कि लोगों को बताया गया कि ये जो है बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और ये जो है उनके दिमाग में बैठ गया। इसलिए रॉजर बैनिस्टर जो है उसने नेगेटिव मानसिकता से अपने आप को संक्रमित नहीं होने दिया, और अलग होकर उसने ट्रेनिंग करने का फैसला किया। तो मैं ये कहानी आपके साथ क्यों साझा कर रहा हूँ, क्योंकि यह समस्या बहुत से लोगों को भी होती है। इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये जो है आपकी छोटी सोच है। क्योंकि ईश्वर ने आपको असीम क्षमताएं दी हैं, कोई सीमा नहीं है, इतनी क्षमताएं दी हैं और इतनी क्षमता के साथ बनाया है। परमेश्वर ने आपको उड़ने के लिए बनाया गया है। तो हम में से कुछ लोग थोड़ी सी चुनौती से निराश हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसे हमने पहले कभी आजमाया नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष कुछ अलग हो, तो अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखें जो आपको डराएगा, लेकिन जब तक आप सेफ रहेंगे ज़िंदगी में, तब तक आप अपना जीवन स्तर को ऊंचा नहीं कर पाओगे। तो ये आइए पढ़ते हैं बाइबल के एक और वर्स पढ़ते हैं, फिलिपियों 4:23। मेरे ख्याल में ये सबको याद होगा, फिलिपियंस 4:13। ये बहुत ही छोटा वर्स है, तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला ग्रंथ है जिसे मैंने देखा है। इसका उपयोग हम जो है थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं, लेकिन हम कभी इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो सभी यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के लिए महान कार्य कर रहे होते हैं जो आपको मजबूत करते हैं। मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, सब का मतलब है सब, लेकिन क्या हम सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, यही तो समस्या है। लेकिन हमारी क्षमता को देखें, परमेश्वर कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वही आपकी क्षमता है। मसीह के द्वारा आपकी क्षमताएं असीमित हैं, वो आपके लिए जीवन स्तर तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपको ऐसे करने के लिए मजबूत करूंगा। तो आज आपके जीवन स्तर को कौन स्थापित कर रहे हैं? क्या आपके दोस्त कर रहे हैं? हर कोई ऐसा सोचता है, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, मेरा दोस्त वैसा कर रहा है,
तो मैं भी वैसे करूँगा। हर कोई इस लेवल पर है तो मैं भी ठीक हूँ। हर कोई ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप जो है अपने मित्र को अपने लिए जीवन स्तर तय करने दे रहे हैं। क्या दुनिया आपके लिए जीवन स्तर तय कर रही है? ये जो अविश्वासी दुनिया है, ये जो महान हस्तियाँ हैं, जो सेलिब्रिटीज, जो हम जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेलिब्रिटीज़, ये बाहर से बहुत ही अच्छे दिखते हैं लेकिन उनका जीवन जो है असफल होता है। जो लोग तब तक खुश नहीं होते जब तक उनका नाक थोड़ा छोटा या बड़ा नहीं होता, या उनके होंठ थोड़े छोटे या बड़े नहीं होते, वो हमारे लिए जीवन स्तर कैसे सेट कर सकते हैं? यही कारण है बाइबल कहती है कि इस दुनिया के ढांचे, रोमियो 12:21, आइए पढ़ते हैं रोमियो 12:21। यहाँ कहा गया कि बाइबल कहती है कि इस दुनिया के ढांचों के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के रूपांतरित हो जाओ। अगर सरल भाषा में बोलें तो हमें जो है दुनिया के अनुसार अपना जीवन स्तर को तय नहीं करना चाहिए। यीशु जो है आपके लिए जीवन स्तर स्थापित कर रहे हैं। कभी कभी लोग जो है बहुत अहंकारी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं अपने जीवन स्तर खुद तय करूँगा। और इसके लिए आपको हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर चाहिए। मेरे लिए मुझे अपना जीवन स्तर तय करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। मेरे लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरा भविष्य को जानता है। तो आपके लिए वो जीवन स्तर कौन स्थापित कर रहा है? क्या आप परमेश्वर को आपके लिए अपना जीवन स्तर तय करने देंगे? यशाया 59:19 में कहती है, आइए खोलते हैं यशाया 59:19, यशाया 59, इज़ाया 59:19। किसे खोलना हो गया? यशाया 59:19। तब परिश्रम की ओर लोग यहोवा का नाम का और पूरब की ओर उसके महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेंगे। तो यहाँ बताया गया कि जब दुश्मन बाढ़ की तरह आता है तो यहोवा जो है यहोवा के आत्मा उसके विरुद्ध एक झंडा खड़ा करेगा। तो मुझे नहीं पता कि आपको इस बात का एहसास है कि नहीं, लेकिन हम ऐसी बुराई और अधर्म से भरे हुए हैं कि कभी कभी यह डरावना होता है। इसलिए यदि आप आस्तिक हैं तो आपको उस स्तर को थोड़ा ऊपर उठाना होगा। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है और हमें अपना स्तर ऊंचा करने की ज़रूरत है। और अगर आप दुनिया के जीवन स्तर के हिसाब से अगर चलेंगे,
अगर आप दुनिया के जीवन स्तर के अनुसार जी रहे हैं तो यीशु के लिए दुनिया कैसे बदल सकते हैं आप? परमेश्वर हमारा जीवन स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। आज ये मेरे लिए आपके लिए चुनौती है, आपका जीवन स्तर क्या है और कौन आपका जीवन स्तर तय कर रहा है? क्या यीशु है? क्योंकि पवित्र शास्त्र जिसे हम अभी यशाया 33:16 में पढ़े हैं, उसमें लिखा गया है कि इस प्रकार तुम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हो। जीवन का एक सुरक्षित और स्थिर तरीका, जीने का एक पौष्टिक संतोषजनक तरीका, परमेश्वर यहाँ सभी निर्णय लेते हैं। तो परमेश्वर को आपके लिए जीवन स्तर तय करने दें, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जीवन स्तर है और आप यीशु के अनुसार जीते हैं। तो यही है मेरा आज का संदेश। प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपने अपने वचन में हम तमाम को ये सिखाया है कि आप इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे जीवन के मालिक हैं और सब कुछ आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हम दुआ करते हैं कि हम अपने आप पर यकीन करें कि हम में क्षमता है और हम अपने जीवन स्तर को दुनिया के अनुसार नहीं बल्कि यीशु के स्तर के अनुसार जिएं। दुआ करते हैं परमेश्वर इस शब्द के आशीष के लिए। परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं हमें अच्छे घर देने के लिए, अच्छा भोजन देने के लिए, और आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दिए हुए उपहारों को हम अपने जीवन में इनके महत्व को समझें, इनका आदर सम्मान करें, इनकी देखभाल करें। खुदावन, हम दुआ करते हैं अपने तमाम चर्च मेंबर्स के लिए कि आप इनके साथ हो, इनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, बाल बच्चों पर बरकत दें और इनकी खेती पर आपकी आशीष हो, और तमाम की अगुवाई कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनो और कबूल कर। तमाम आशीष आपके मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आशरा तो है, मोर डहर कर दिया तो है, मोर पाँव कर उजिया।